काफी समय के बाद में प्रदेश कांग्रेस के अंदर जो इलेक्शन कमेटी होती है हमारी, उनको बिल्कुल सबको अधिकार दिया गया। तमाम लोग जिलों में गए और जाके फीडबैक लेके आए, वो फीडबैक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष को सौंप दिया। कल अध्यक्ष जी ने सबको कहा, इसके अलावा भी आप जाके जिलों में उसके अलावा भी क्योंकि आप पीसी मेंबर हैं, जिन सीटों पे देना चाहें आप अपना मत देना चाहें या चला जाना चाहें, अब आराम से दिल्ली आके दे सकते हैं। कमेटी के मिस्टर गौरव गोगोई जो चेयरमैन उनको दे सकते हैं, या अध्यक्ष जी ने कहा ना रात को 9 बजे तो मेरे पास भेज दो, तो मैं आपकी वो की वो भावना पहुंचा दूंगा स्क्रीनिंग कमेटी चेयरमैन के पास में। तो इस प्रकार डिसेंट्रलाइज करके काम हो रहा है, बहुत स्मूथली काम हो रहा है। तो जो रिपोर्ट आई है सर्वे या फीडबैक आए हैं उसके आधार प्योरली उसके आधार पर टिकट मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूँ। लेकिन सर एक बार एंटी इनकम्बेंसी का लगातार फैक्टर चल रहा है, आपको लगता है कि अधिकतर टिकट ज्यादा तो ज्यादा मेरी बात कुछ तो बात ज्यादा फैलाई गई है। जब सरकार के खिलाफ कोई लहर नहीं है नंबर एक, कोई शिकायत किसी से नहीं है हम लोगों से, और नंबर तीन जब शिकायत एमएलए ही करते हैं तो एमएलए के क्षेत्र में तो जाएंगे, ऑब्जर्वर जाएंगे गए हैं, एआईसीसी के गए हैं, उनकी रिपोर्ट आई है, जो सर्वे कंपनी है वो सर्वे कर रही है, हम लोग उसे फीडबैक लेते हैं, उसके आधार पर ही मान लो वही एमएलए का नाम आता वहां पे, तो फिर कमेटी और हम लोग क्या कर पाएंगे, हमें तो फैसला वही करना पड़ेगा। तो डिपेंड करेगा टोटली क्या फीडबैक आता है उसके ऊपर, यानी कि सर्वे के आधार पे और विनिमिटी के आधार पे ही आप लोग विनिमिटी के आधार पे ही टिकट मिलेंगे सबको, और स्क्रीनिंग कमेटी उसी को पैड देगी। सर आज कितनी सीटों पर होगा सर डिस्कशन? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।